फॉर यू अस यू डू, तो ये मतलब हम आपके प्रति और वो हमारे प्रति, ऐसा कुछ लिखा है। तो आप ये देख सकते हैं, अब ये यहाँ डांस की घड़ी स्टार्ट हो गई है, यहाँ लोग बाग डांस कर रहे हैं, ये पानी के वो हैं पता नहीं क्या है इसमें, तो वैसा हो जाती है वीडियो मेरी। तो आप देख सकते हैं ये शादी की जो है, ऐसे लाइट की रोशनी में थोड़ी ऐसी लगती है ऐसे क्या है, तो बस आप देख ही सकते हो। तो ये हमारी शादी की कुछ यादगार है, यही पल होते हैं, इनको बुढ़ापे तक संभाल के रखूँ, जैसा भी कुछ है अपना बुढ़ापे पर तक देखते को बड़ा अच्छा लगता है, ये जब यादगार होती हैं बहुत अच्छा लगता है। ये सारा कुछ है आप देख सकते हो, नाच गाना सारे लोग नाच रहे हैं, इतना अच्छा लगता है। ये हल्दी हल्दी का रसम हो जाता है, ये सारी मेंबर्स, ये मेरी सारी जिठानियाँ जो मेरे से बड़े हैं सारे लोग हैं, देख सकते हो आप वीडियो में, सारे लोग यंग यंग रखे हैं, मेरी शादी के टाइम सारे यंग थे। ये सारे मेरे जेठ हैं, कुछ देवर हैं कुछ नंदे हैं इसमें। ये जिठानियाँ मेरी देखो कितनी मगन होके, ये दोनों नंदे हैं डांस हो रही हैं, ये दोनों मेरी जिठानियाँ डांस कर रही हैं, कितना अच्छा लगता है ना। लेविल लेविल वाइज फ़ोटो लगा रखी है, नंद 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 जिठानी जिठानियाँ जिठानियाँ पड़ोसी गाना बजा रहे हैं। और ये हमारे हस्बैंड जी आ गए हल्दी लगा के नंगे पुंगे, देख सकते हो। तो ये हल्दी की ये रस्म होती है, ये सारा कुछ हो रहा था, पहले अच्छा भी लगता था, अब थोड़ा जैसे जैसे फैमिली होती जाती है ये सारे लोग, ये देखो आप फ्रेंड्स, देख सकते हैं ये हल्दी की है फोटो, कितना अच्छा लगता है। देख ही सकते हो सारा कुछ जो भी है आप, ये सारा कुछ है। ये मेरी सासू माँ है जो आशीर्वाद दे रही है हल्दी की रस्म में, ये मेरे मामा ससुर हैं ताऊ सास हैं, भात पहनाया जाता है वो चीज़ हो रही है, ये भात पहनाते हैं हम लोग जो ससुराल से आता है दाद, मतलब मेरी सास के ससुराल से जो भी उनके भाई आते हैं, ये जेठ जी हैं, ये मामा सासुर हैं, ये सारे नाऊ है, ये सारे मामा हैं, आपस में साड़ू सुड़ू हैं ऐसे ये लोग हैं। ये मेरे ये देख सकते हो आप लोग, ये मेरे जेठ जी हैं, मौसा ससुर जी हैं, ऐसे हैं सारे लोग। मैं आपको दिखाती भी चलती हूँ बताती भी चलती हूँ कौन कौन है। तो बस ये हमारे अभी तक की याद कर रही है, दोनों भाई हैं, ये बड़े भाई हैं ये छोटे भाई हैं, ये मेरे एक रिश्ते में फूफा लगते हैं एक रिश्ते से जेठ लगते हैं, आप देख सकते हैं। ये मेरे ससुर जी हैं, ये देवर हैं, ये सारे ये ताई सास हैं जो साथ में ही रहते हैं हमारी, ये फैमिली है ये सारे। अच्छा भी लगता है जब साई शादी होती हैं, ये टोटली बहू हैं, ये टोटली बहू हैं सारी, टोटली बहू हैं ये बहू हैं सारी। ये देखो ये नंद हैं, ये नंद हैं, ये मेरे हस्बैंड हैं, ये सारे लोग खड़े हुए हैं। मैं जैसे जैसे आप सब लोगों को दिखाती जा रही हूँ ये सारा कुछ है, ये मेरी सासू माँ हैं, ये मेरे हस्बैंड जी हैं, दिख रहे होंगे आपको एल्बम में, ये सारे लोग हैं। और ये आप देख सकते हो जेठ जी हैं मेरे, जेठ वगैरह ये सारे जेठ हैं, ये भी दादा ससुर हैं मेरे, ससुर जी आपने देखे ही अभी, ये सब लोग हैं। ये देवर आ गए, ये मेरे हस्बैंड जी आ गए, ये इनके मतलब भाई वगैरह मामा वगैरह हैं, आप देख सकते हो। ये
ये मतलब बहुत बड़ी वीडियो एल्बम बनी है और मेरी शादी की वीडियो भी बनी है। मेरी तो छोटी छोटी कैसेट भी बनी है जो पहले VCR में चलती थी, उस टाइप से भी बनी हुई थी। मेरी फ़ोटो तो बहुत हैं, बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा है। कम से कम आधा घंटा तो हमें भी लग जाता है देखने में, आराम से देखते हैं जब देखते हैं। और ये हमारी तैयारी हो रही है हमारे घर पे आने की इनकी, ये हमारे दूल्हे राजा आने के लिए रेडी हो रहे हैं। मैं सेहरा बांध के आऊँगा, मेरा वादा है। ये मेरे हस्बैंड जी हैं, देखो रेडी हो चुके हैं, आप देख ही सकते हो। ये देखो हम दोनों मैचिंग कपल। सच बताना दोस्तों, कौन सुंदर लग रहा है, हमारी जोड़ी कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है? नाइस कपल। दोनों की जोड़ी कैसी है? तो गाइस बताना आप लोग कैसे हो, कैसे क्या है। ओके, ये तैयारी हो चुकी है। ये मैंने ऊपर रख रखा है साइड से, इसलिए मैं आपको ऐसे दिखा रही हूँ। ये घोड़ा चढ़ी हो चुकी है इनकी, करेंगे मतलब ये, और ये रेडी हो गए हैं। ये इनकी मतलब मामी है जो वहाँ पर लगा रही हैं, ये जीजा जी हैं इनके ताऊ के दामाद, हमारे घर के बड़े दामाद। और ये बहनें पैसा उछाल रही हैं, और ये भाभी काजल लगा रही है, और ये सारे देखो ये जो करते हैं सूप चलनी वाला सिस्टम जो लोग कर रहे हैं, ये देखो बहुएं रेडी है। मेरे घर की सारी बहुएं सुंदर थी। ये मेरे मासी सास की बहू है, मोटी ताजी, ये देख सकते हैं कितनी मोटी ताजी है। और ये इसकी वीडियो तो मैंने फेसबुक पे भी डाली है, इनके साथ डांस करने बड़ी मस्त है ये, देख ही सकते हो। ये मेरे देवर नाच रहे हैं, ये घोड़े चढ़ी हो रही है, ये दीदी है जो मतलब पैसों का वो कर रही हैं इन पे। और ये मंदिर में आए हुए हैं, जैसे मंदिर में आते हैं, ये आप देख सकते हो ये सारा कुछ। और ये मंदिर में है, ये मंदिर में पूजा पूजा करते हैं। और ये ताई जी इनको जो रसम होती है वो बतासे खिलाने की, फिर वो पैर रख के जाते हैं, वो रसम करवा रही हैं। और ये लोग, और ये हमारे घर के लिए रेडी हो चुके हैं, हैप्पी वेंडिंग। तो ये हमारी हैप्पी वेंडिंग वाली चीज़ें आ चुकी हैं। ये देखो गाइस, ये नंद को पैसे देते हुए घोड़े पे चढ़ते हुए आप देख ही सकते हो। और ये सारा कुछ आप देख सकते हो। ये देखो गाइस, ये ताऊ जी हैं, ये मौसिया सास ससुर है मेरे, ये मौसा ससुर है। और ये प्लीज़ हम लोगों की एल्बम ये देख रहे हो आप सब लोग, ये मेरी सारी फैमिली है, ये टोटली फैमिली। ये इनके फ्रेंड्स हैं सारे, ये मेरे, ये इनके फ्रेंड है, ये चश्मे में है, ये मेरे जेठ जी हैं। और ये हमारे घर के पास बारात आ चुकी है, ये सारे ताऊ जी वगैरह देखो नाच रहे हैं, सारे नाच रहे हैं, इन्जॉयमेंट कर रहे थे सारे। अभी ये है नहीं है, ये वाली जो ताऊ जी हैं वो एक्सपायर हो चुके हैं, अब है नहीं है। इस एल्बम में बहुत से लोग कैद हो गए हैं। ये बड़े ताऊ जी हैं मेरे, तैया ससुर, ये मेरे मतलब दो भाइयों से बड़े हैं ये। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, माय नेम इज नायरा। एंड सो गाइस, तो आज ना मम्मा पूरा खिलौना बड़ा हुआ है, और वो देखो टेबल पे इतने सारे कपड़े रखे हैं धोने के लिए, और मतलब इतनी गर्मी हो रही थी, और आज देखो बारिश जैसा मौसम हो रहा है, एंड बहुत अच्छी हवा चल रही है। एंड चलो देखते हैं कि मम्मी ने क्या क्या रख रखा है बेड पे। मतलब ज़्यादा कुछ ना हो,
अभी तेरी मोटी बुक रखी है ना, कौन पढ़ता है इसको? ये मोटी बुक नहीं है, एल्बम है। मम्मी अब ऐसे निकाल रही होंगी तो फिर निकल के, अरे बहुत भारी है ये, इतनी बड़ी, कितनी फोटोज आई होंगी इसमें, इतनी है देखो, ये तो बुक की तरह ही है, बहुत भारी है ये। और ये देखो मम्मी ने सूट निकाल रखा है सब कुछ, तो चलो देखना स्टार्ट करते हैं। तो ये था संदीप संग्रीनू, तो मेरी मम्मा का नाम मीनू एंड अंजलि है। शुभ विवाह। ये मेरे को लग रहा है मैं अपने शरारा शूट पाया, शरारा शरारा है ना, लहंगा था। चलो आराम। तो ये देखो, You and me only, sweet life. Guys, मैं अभी ना आपको दिखाऊंगी ये वाली फोटो। ये देखो, जब मैं ये मम्मा पापा दोनों एक साथ जुड़ने वाले थे एंड उनकी शादी होने वाली थी एंड उनकी फर्स्ट फोटो थी एंड ये देखो। आप बताओ मेरे मम्मी पापा में कौन अच्छा लग रहा है? ये देखो पापा ने काजल भी लगाया है, मेरे पापा ने काजल भी लगाया और मम्मी ने आईलाइनर लगाया है एंड ये जो बिंदी डॉट डॉट है इसको क्या बोलते हैं? ऐसे तैयार किया। और ये देखो मम्मा बहुत इमोशनल थे, मम्मा की स्टोरी, ओ स्टोरी नहीं वीडियो भी है एंड ये जब पापा आए थे बारात लेके, है ना, ये लगन सगाई की है, तेरे पापा लगन टीका करने आए थे जब। अच्छा। पापा मतलब नाना आए थे पापा को पक्का करने के लिए, वो फोटो है तेरे पापा की रेड कोट पैंट की। अच्छे लग रहे पापा। और ये तब पापा तेरे बात लेके आए थे मेरे लिए, पापा ने वाइट पहना है ना, अब भी रखा है पापा का कोट पैंट कड़ा हुआ है, कड़ाई था बहुत सुंदर था पापा अभी का भी है? क्रीम कलर का। हाँ रखा है। और क्या, कहाँ है? उधर बक्से में, अभी दीपावली की सफाई के टाइम बक्से खोलेंगे ना तब निकालेंगे। और ये देखो, और ये मेरे मौसा है ना, ये देखो ये तुम्हारे नानू हैं, छोटे नानू। अच्छा। ये कौन है, शौर्य भैया? नहीं नहीं, ये तुम्हारी जो दादी है ना उनकी बहन की लड़की की, बहन की लड़की है छोटी वाली, ये तुम्हारे ये मौसा जी है और ये हमारे सारे तुम्हारे ये सारे ये, नाना है? ये नानू है, ये पंडित जी हैं, ये जितने भी पीछे बैठे हैं वो तुम्हारे सारे नानू हैं। अच्छा। टोटली नानू है। ये नाऊ है जो नाऊ का काम करता है वाइट कपड़ों में, ये नायिका, नायिका। हाँ ये अपने पड़ोसन, ये देखो पापा कितने हैंडसम है। ये कौन है? मेरे दादू। और ये कौन है बगल से? और ये है मेरे बड़े दादू। हाँ। सबसे मथुरा वाले एक्सपायर। कितने क्यूट लग रहे हैं ना। और ये कौन है इधर, कौन है कहाँ? ये सारे, ये देखो नानू तुम्हारे पापा जी का टीका कर रहे हैं, ये सारे ना मेरे गांव के हैं, मेरी फैमिली के, मतलब मेरा परिवार, मेरे मायके वाले सारे बैठे हुए हैं। अच्छा। ये तुम्हारे नानू हैं, ये मेरे जो नानू है ना तेरे नानू के चाचा जी। अच्छा। मतलब बड़े नानू। ओके। ये पापा देखो, पापा कितने हैंडसम एंड क्यूट लग रहे हैं। ये लगन टीका हो रहा है तेरे पापा को, हम लोगों ने पक्का कर लिया है। ये भी नानू है, ये सारे नानू है, ये पूजा करवा रहे हैं तेरे पापा से। ओके। ये देखो पापा ने पहना हुआ है एंड नेक्स्ट फोटो देखते हैं। ये कौन है अम्मा? ये पंडित हैं, एक हमारी तरफ का था एक तुम्हारी तरफ का, मतलब तुम्हारे बाबा जी की तरफ से पापा की तरफ से। अच्छा ये वाले, ये तो नानू हैं और ये दाढ़ी वाले बैठे ना, ये रे कहाँ गए, ये वाले जो जे साइड से जो बड़ी बड़ी, ये पंडित थे, ये भी पंडित है, ये ससुराल की तरफ का पंडित था, ये हमारे यहाँ का पंडित था। अच्छा। नानू एंड पापा। ओ ये तेरे नानू और ये गड्डी, देखो गड्डी, पैसों की गड्डी। आहा पापा को मिल रहे पैसे, ये पापा को माला पहनाई है बाद में ना। पक्का कर दिया कि अब तुम्हारा लड़का हमारा हुआ, हमारी लड़की तुम्हारी हुई। अभी मामू भी आएंगे पान खिलाने के लिए। पान खाते हैं? ये रे पान खिला।
चलाते हो? हमारे जो नानू है ना, तो हम लोगों जो मेरा तेरी चाची का और तेरी मासी का अलग अलग, तेरे नानू के जितने भी चाचा है ना, इन्होंने किए थे ना, सब ने किया। इनसे पहले वाले जो बड़ी मासी का, इन्होंने किया सारे काम, ये वाले नानू ने। अच्छा। ठीक है, मेरी शादी में इनने किए सारे काम। और जो वंदना की शादी, जो तुम्हारी मतलब चाची भी है मासी भी, वो इन्होंने किया था। तीन। ये पापा की चाचा जी हैं, तो बाबा तो आपके जो रियल बाबा हैं वो तो है ही नहीं ना। अंजू बुआ जब उनकी न्यू ने शादी हुई थी, नहीं सारे लोग जवान थे मेरी शादी में, कोई बुढ़ा थोड़ी ना था। ये था अंजू बुआ ने टीका करा, पैसे लिए अंजू बुआ ने खूब सारे, ढेर सारे पैसे मांगे तेरी अंजू बुआ ने, अंगूठी मांगी। ये कौन है? तेरी दादी। हाँ, अरे दादी कितनी पतली है। हाँ। मोटी ठीक थी। ये कौन है? नाना ताऊ। ये बड़े फूफा जी भी है, नाना ताऊ भी है, मतलब ताऊ भी है नाना भी है। हाँ। ये मथुरा वाले ताऊ जी के बेटे हैं। बैग छोटे कमरे में। ये ताई और जानवी दीदी की पूछे तो कह दिया आ रही हैं अभी, हैं 15-20 मिनट में दादी। ये तो तूने देखी है, कितनी क्यूट थी ना, देख। देख दादी ने पिंक कलर की साड़ी पहनी है। उसके बाद ये नादी बोल ताऊ जी के मम्मा सारे ही हैं इधर ना। ओ मामा, ये कौन है? ये तेरे पापा के मौसाजी। अच्छा। ये मामू आ गए उनको वो करने के लिए। मामू तो वो नेपाली लग रहे हैं। मामू नेपाली है ही। मामू की उम्र कैसी थी जब? कितने साल के होंगे मामू? कम उम्र के थे मामू, कोई ज़्यादा उम्र के थोड़ी थी। मामा आप सबसे बड़े हैं ना? से बड़े हैं मामा। सब फेल कर रहा उन्होंने, पहले एक बार बड़े लोग करते हैं, फिर भाई जो होता है, भाई की जो रस्में होते हैं भाई करता है। अच्छा। मेरे पापा पान खा रहे हैं। पान हाँ सही आ रही है, देख तेरे पापा पान खाते हैं। इतने स्मार्ट थे ना, मुझसे ज़्यादा स्मार्ट है ना तेरे पापा। तब तेरे पापा अपने शादी करनी थी तो बड़ा ख्याल रखते थे अपने शरीर का, और अब तौंदू निकाल रखी है। ये फिल्म एक्टर की तरह लग रहे हैं मेरे पापा। तेरे पापा हीरो था, इसी हीरोपन पर तो मैं मर गई। मेरा हीरो था ये, गोविंदा है मेरा, गोविंदा मेरा, गोविंदा तेरा बापू मेरा गोविंदा है, मैं वो हूँ रवीना टंडन। ये देख तेरे अभी तेरे अभी तेरे पापा के घर के आ रहे हैं, फिर हमारे घर के भी आएंगे। अच्छा, अमित चाचू, अमित चाचू को देख कैसे है। अरे मेरे को कोई और ही लग रहा था ये। फिर चाचू भी आएंगे। ये हेमन चाचू है, ये ताऊ जी है, ये कौन है? जानवी दीदी ना। सुहानी जानवी दीदी ये है। सुहानी है ये, जानवी ये पता नहीं कौन है, ये पता नहीं लग तो हो रहे हैं। ये कौन है? वंशी का वंश। हाँ अंकित भैया ना। हाँ देख ताई जी कितनी सुंदर लगती थी ना ये। ये दादी मैंने अपनी आपकी शादी की फोटो देखी थी दा मम्मी की, बहुत सुंदर हो आप। तारीफ करती हो। ये तेरी मथुरा वाली ताई जी, नाना ताऊ ये ना।